नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि स्त्री को कौन से अपने अंग भूल भी नहीं दिखाने चाहिए जो पुरुष स्त्री को अपना ये अंग दिखाता है तो वो जीवन में अपने बहुत जल्दी तबाहो बर्बाद हो जाता है और ऐसे व्यक्ति पर कभी भी देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है लेकिन मित्रों उससे पहले हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहेंगे कि महिलाएं कौन सी चार चीजों में पुरुषों से कई गुना आगे होती हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठतर विद्वान पुरुषों में की जाती है इन्हें अपने मुक्त विचारों और ज्ञान के बल पर इतिहास की धारा को ही बदल के रख दिया आचार्य चाणक्य को कौटल्य और विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है ये बचपन से ही बुद्धि के धनी थे इन्होंने धर्म समाज अर्थव्यवस्था राजनीति आदि विभिन्न विषयों पर अपने मतों को खोलकर व्यक्त किया अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए रास्ते पर चले तो उसे जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी आचार्य चाणक्य स्त्री को लेकर काफी उदार थे उन्होंने स्त्री के विषय में काफी कुछ कहा जिसका उल्लेख हमें नीति शास्त्र में मिलता है आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के कई ऐसे गुणों के बारे में बताया जिनमें पुरुषों से भी आगे होती है इसी सिलसिले में आइए स्त्रियों के उन गुणों के बारे में जानते हैं जिनमें पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती है लेकिन मित्रों सबसे पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा भोजन करती हैं उन्होंने एक जगह इसका उल्लेख करते हुए लिखा था महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा दो गुना ज्यादा भूख लगती है दोस्तों आचार्य का कहना था कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, उनकी बुद्धि कई अर्थों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अच्छे ढंग से काम करती है वे पुरुषों से ज्यादा चतुर समझदार और बुद्धिमान होती हैं महिलाएं हर परेशानियों का सामना बिना डरे करती हैं चाणक्य के, के अनुसार महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा आठ गुना ज्यादा कामुक होती हैं। महिलाओं के भीतर कामुकता की शक्ति पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा विद्यमान होती है इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कामुक बताया है आचार्य चाणक्य के, के मुताबिक महिलाएं पुरुषों से ज्यादा साहसी होती हैं चाणक्य नीति में वे लिखते हैं उनके भीतर साहस की शक्ति पुरुषों की अपेक्षा गुना अधिक होती है वे तनाव सहन करने के मामले में भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आगे होती है अब मित्रों आइए जानते हैं कि कौन सा एक अंग पुरुषों को महिलाओं को भूलकर भी नहीं दिखाना चाहिए दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार पुरुषों को कभी भी महिलाओं को अपनी छाती नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार पुरुषों की छाती को वीरता का प्रतीक माना गया है और यदि आप उसको एक महिला को दिखाते हैं तो आप पर देवी लक्ष्मी क्रोधित होती हैं और आप बहुत जल्दी एक गरीब व्यक्ति बन जाते हैं इसलिए मित्रों अगर हो सके तो आपको अपनी छाती और जांघों को कभी भी महिलाओं के सामने नहीं खोलना चाहिए ऐसा करने से आप बर्बाद हो सकते हैं और आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो मित्रों हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक